going on? Okay. हल्का सा क्रास किया है, काउंटर के लिए उछाले हुए के कैबिन के को संभाला, अभी इतने हल्का सा क्रास किया है, अभी भी हवा में गेंद नजर आ रही है। और ये है मिस्टर मुलायम यादव, कामयाब रहे 5-8 का स्कोर। ये है मिस्टर अली, धीरे धीरे लय में नजर आ रही है गाजीपुर। और इस तरह से तो वो चले गए जहाँ से निकलना चाहते थे। 6-10 अंजाम उसके हाथ है या वास्तव दे भीगे हुए परों से परवास सके। दिलचस्प मुकाबला कर दिया है गाजीपुर ने, ये मुकाबला की तरफ से अच्छी सर्विस अंदर ने ट्राई कर बैठे, छोटी छोटी गलती में ये है मिस्टर अमित बैक काउंटर मिस्टर मुलायम यादव। अच्छे सर्विस, लवली अटैक, बैक काउंटर का हल्का सा हाल, ये है चतुराई का परिचय दिया है डायरेक्ट बक्सर विहार। ओहो, चुके इस गेम पे कोई तोड़ कामयाबी हाथ लगी है, रेफरी का बोले सर्विस है मिस्टर मुलायम यादव, मुलायम यादव की सर्विस। और इस तरह से नेटल नेट करते हुए पकड़े सर्विस का डिग्री फ्रॉम पक्षर विभाग, गेंद को संभाला और मुलायम के लिए उछाली हुई है, कामयाब रही अपने की सर्विस आउट कराने में कामयाब। और सर्विस रेट में उलझी सर्विस का मौका मिला है, अक्सर बिहार की तरफ से होगी सर्विस। सर्विस पे है मुलायम यादव, मुलायम यादव की सर्विस, मौका है बक्सर के लिए। और अमित गुप्ता बहुत चतुर खिलाड़ी, वहीं दबोचा जहां भी सर्विस। और इस तरह से बाल आउट का इशारा आया है, सर्विस चेंज 11-13 का स्कोर। ओहो, चुके इस गेंद का स्कोर। और रेफरी महोदय की निगाहों से बचना बहुत मुश्किल, जो पेयर हो चुका है
अगर इस मैच में संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस मैच में बक्सर जीतते हैं तो सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाएगा तुरंत, अन्यथा अभी ग्रुप ए से चाहिए हमें आधार पर लाना पड़ेगा इसी। और इस तरह से एक पॉइंट मिल गया है दोनों टीमों का स्कोर। मैच निर्णायक होता है, अगर बक्सर जीतती है तो बात कर रहे हैं तब तुरंत सेमीफाइनल का मैच जो है चेतापुर बनाम तारीखार सेमीफाइनल का मैच। हल्का सा ड्रॉप और इस तरह से मौका हो सकता है एक बार फिर। हेलो चेतारपुर बनाम तारीघाट, आप लोग कहाँ रहेंगे सेमीफाइनल का मैच खेलने के लिए? इसके बाद मजोई ग्राम सभा के शानदार ग्राम प्रधान श्रीमान ब्रजेश गुड्डो साहब का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर के इनका स्वागत कर लें, जोरदार ताली बजाकर के इनका स्वागत कर लें। मजोई ग्राम सभा के शानदार ग्राम प्रधान ब्रजेश गुड्डो साहब का आगमन हुआ है, अंदर ने ट्राई कर बैठे। और हरमुजपुर के शानदार ग्राम प्रधान श्रीमान आगमन हुआ इस टूर्नामेंट में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं काउंटर पर उछाली गई है, धन का सब ड्रॉप दिया है और इस तरह से मजी ग्राम सभा के शानदार ग्राम प्रधान श्रीमान ब्रजेश साहब इस टूर्नामेंट में तशरीफ फरमा है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और खलीलपुर के शानदार ग्राम प्रधान श्रीमान यादव गुल्लू साहब इस टूर्नामेंट में कल से बिल्कुल लगे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ तीन चार ग्राम सभा और कौन टीम ये मुकाबला जीतेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सर्विस के लिए तैयार और सर्विस चेंज बुलाया गया भी मौजूद है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मजी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी मौजूद है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो ये जनपद के भावी प्रत्याशी, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मौका हो सकता है चतुराई भरा ड्रॉप दिया है अमित के लिए और ये इब्राहिमपुर और श्रीमान गुड्डू प्रधान हरमुजपुर इस टूर्नामेंट में तशरीफ फरमा है, मैं लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। किसान यहाँ है, हिंदू न यहाँ है, न मुसलमान यहाँ है, होगी न मेरे दोस्तों इस खेल में कमी, क्योंकि तीन चार ग्राम सभा के प्रधान यहाँ है, तीन चार ग्राम सभा के प्रधान यहाँ है, तो इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है। तो आइए एक बार फिर हल्का सा क्रॉस, मौका हो सकता है। और ये बहुत बढ़िया काट लगाया है, कामयाबी। सम्मानित ग्राम प्रधान पधारे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत भाई श्री सुनील यादव जी, भाई श्री सुनील यादव जी का कि आप ग्राम सभा मजू के सम्मानित ग्राम प्रधान भाई श्री ब्रजेश यादव उर्फ गुड्डू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, माल्यार्पण की तकरीब करेंगे। ग्राम सभा हुए सम्मानित ग्राम प्रधान भाई श्री गुड्डू जी का माल्यार्पण।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई अरविंद सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए भाई श्री सुनील यादव जी, सदाजीत यादव जी, रमेश पाल जी, रमेश पाल जी से चाहूंगा कि आप तीनों ग्राम सभा के सम्मानित ग्राम प्रधान का माल्यार्पण कर स्वागत करें भाई श्री रमेश पाल जी। तो आइए फिर सर्विस सभी गाजीपुर की तरफ से अच्छी सर्विस सर्विस को संभाला मुलायम यादव के लिए उछाली गई है। और गाजीपुर के सर्विस मैन को श्री रमेश पाल के तरफ से यह गाजीपुर टीम को 500 रुपया प्रोत्साहन राशि गई है। गाजीपुर टीम को 500 रुपया प्रोत्साहन माननीय युवा ग्राम प्रधान बड़े भाई श्री विजय यादव और गुड्डू जी के तरफ से गाजीपुर टीम को 500 रुपया पुरस्कार के रूप में दिया गया है। श्रेय प्रतियोगिता में 2100 रुपया सहयोग के रूप में प्रदान हुआ भाई श्री धर्मेंद्र यादव चेयरमैन प्रतिनिधि टाउन एरिया सादा। और ये कामयाबी हाथ मुलायम यादव की सर्विस बैंक काउंटर अमित के लिए उछाली गई है और इस तरह से सर्विस चेंज कराने में आप भी कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर। सोलह 19 का स्कोर है और सर्विस 19 पे है गाजीपुर। बड़ी आसान दिया है सर भी चेंज करा हिसाब से सेमीफाइनल का जो है कॉम्बिनेशन जो है इधर होगा। Gracias.
हल्का सा क्रॉस हुआ है, एक बार फिर मौका हो सकता है। मौका हो सकता है, हल्का सा क्रॉस और सुंदर प्रहार किया है सर्विस चेंज कराने में कामयाब। और खूबसूरत चेक आउट का इशारा रेफरी महोदय के निगाहों से सेमीफाइनल का मुकाबला होगा।